गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज की जो हमारी वीडियो है वो पहले जैसे कि हमने कल ही जो हमारी वीडियो हमने डाली है वो आपकी क्लोजेस के ऊपर है, लेकिन उसके बाद में क्लोजेस के टाइप होते हैं, सबॉर्डिनेट क्लोज के जो टाइप होते हैं, जैसे कि पहला आपका क्लोज है नाउन क्लोज। नाउन क्लोज में क्या है, नाउन क्लोज में सबसे पहले जो आपका पॉइंट आता है नाउन क्लोज में, ये नाउन क्लोज सबॉर्डिनेट क्लोज होता है, और उसके बाद में सबॉर्डिनेट क्लोज एंड कंजंक्शन इज देन फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसके बाद क्या है, जैसे डिपेंड ऑन व्हाट यू वांट, डिपेंड ऑन व्हाट यू वांट, डिपेंड ऑन व्हाट यू वांट, ये वाला सेंटेंस हमने लिखा है। ये आपका एग्जाम्पल है, जैसे कि आप प्रिंसिपल क्लोज ऐसे पकड़ने के लिए। लेकिन जब आप नॉन क्लोज पे जाते हैं तो नॉन क्लोज में डेयर क्या होता है, नॉन क्लोज और सबॉर्डिनेट क्लोज दैट कैन बी यूज, ये किसके साथ जुड़े होते हैं, एक आश्रित वक्र होता है जो सबॉर्डिनेट क्लोज होता है, वो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है। जो सबॉर्डिनेटेड क्लोज और प्रिंसिपल को, लेकिन जो सबॉर्डिनेटेड क्लोज होता है वो आश्रित वक्र होता है, इसको डिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हो आप, इसको डिपेंडेंट क्लोज बोल सकते हो, क्योंकि ये डिपेंड होता है कंप्लीमेंट पे या सब्जेक्ट पे, इनके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल की कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, नाउन क्लोज एक नाउन का काम करे, नाउन क्लोज जो नाउन क्लोज होता है ये नाउन का वर्क करता है भाई, नाउन का काम करता है, और इसको हम फाइव टाइप से पहचान सकते हैं, पांच प्रकार से पहचान सकते हैं इसको, फाइव टाइप से आप पहचान सकते हो, ठीक है। पहला है जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, वो सबसे पहला है, वो क्या है, इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब के रूप में कैसे पहचान सकते हो, सब्जेक्ट और वर्ब के रूप में पहचानना है नाउन क्लोज को, कैसे पहचानोगे सब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में, जैसे व्हाट ही सेड प्लेज्ड मी, what he said placed me, what he said placed me, ये वाला सेंटेंस है। ये आपका, इसमें आपको सब्जेक्ट को वर्ब देखनी है, सब्जेक्ट को वर्ब, या फिर और भी सेंटेंस हो सकता है, where is going is not known, where is going, where is going it's not known, ये वाला भी सेंटेंस हो सकता है। ये दोनों सेंटेंस आप देखिएगा, सब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में आप एक नाउन क्लोज को कैसे पहचान सकते हो, ठीक है। ऐसे प्रिंसिपल क्लोज पहले होता है, और प्रिंसिपल क्लोज का कार्य कर इट है उसी का होता है, उपयुक्त वाक्य में जो सबॉर्डिनेट क्लोज है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करता है, या फिर जो सबॉर्डिनेटेड क्लोज है, सबॉर्डिनेटेड क्लोजेस है वो आपका किसका काम करता है, वो सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लोज, ठीक है। उसके बाद में नाउन क्लोज है, और इसके अंदर क्या होता है, जो प्रिंसिपल क्लोज के पहले ही होता है, और प्रिंसिपल क्लोज का करता है इट से छिपा होता है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्लोज होता है कई बार नहीं बोलते आप, यू कैन गो, हम पूरा नहीं बोलते, जैसे कि कई सेंटेंस होते हैं इसमें जरूरत नहीं पड़ती यू गो, यानी कि गो इट्स यू की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए जो इट होता है प्रिंसिपल क्लोज वो हिडन होता है, छिपा होता है, कहने का मतलब ये आपका सब्जेक्ट टू वर्ब होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब कौन सा होता है, अगर ऑब्जेक्ट टू वर्ब को पहचानने के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब की बात करें, ये ऑब्जेक्ट टू वर्ब, इसको पहचानने के लिए पहले हमने सब्जेक्ट टू वर्ब की पहचान करी है, अब हमने ऑब्जेक्ट टू वर्ब की पहचान करेंगे। ऑब्जेक्ट टू वर्ब की पहचान करने के लिए सबसे पहले हम एक सेंटेंसेस लिखते हैं।
गोइंग टू हिसार बुक सेंटर कलकत्ता कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाले सेंटेंस देखो, ही टोल्ड मी, उसने मेरे को बताया दैट ही इज गोइंग टू फादर है हिसार। और दूसरे सेंटेंस की हम बात करें तो आई डोंट नो वेयर ही लिव, आई डोंट नो वेयर ही लिव। और जहाँ भी मैंने सब्जेक्ट की बात की थी, व्हाट आर व्हाट ही सेड प्लेस्ड मी वेयर इज गोइंग इट्स नॉट नो, मैं नहीं जानता भाई वो कहाँ है कैसा है। और दूसरा जो हम ऑब्जेक्ट से पकड़ते हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट का कार्य करता है वो सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है। जो ऑब्जेक्ट का काम करता है, जो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो आपका सबॉर्डिनेटेड क्लॉज होता है, सबॉर्डिनेटेड यानी कि नॉन क्लॉज पहचान सकते हो, ऐसे ही इसको पहचान सकते हो आप सब्जेक्ट के रूप में कैसे पहचान सकते हो। और कहने का तात्पर्य उसमें सबॉर्डिनेट नाउन क्लोज पूरा लिखा जाएगा, सबॉर्डिनेट नाउन क्लोज होता है, सबॉर्डिनेट नाउन क्लोज होता है, कौन सा होता है सबॉर्डिनेट नाउन क्लोज होता है। उसके बाद भी हम बात करें जैसे कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्लोज होता है, ये मैं प्रिंसिपल क्लोज के बाद ही आते हैं, ये प्रिंसिपल ये वाला प्रिंसिपल क्लोज है ज़्यादातर, ये वाले आफ्टर प्रिंसिपल क्लोज यानी कि इसके बाद में आते हैं आफ्टर प्रिंसिपल, आफ्टर प्रिंसिपल क्लोज, ये आफ्टर प्रिंसिपल क्लोज की बात करते हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, उसके बाद में जो बात कर रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन कैसे यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन से बात करें हम, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन है इसमें हम बात करें, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन में बात करें जैसे लिसन टू व्हाट योर टीचर से, लिसन टू व्हाट योर टीचर से, ये बात यह आपको दिखाई दे रहा है वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट के रूप में जो नाउन क्लोज की हम बात कर रहे हैं, सारा का सारा जो नाउन क्लोज है आपको पता है, नाउन क्लोज की हमारी जो ये वीडियो है वो नाउन क्लोज के ऊपर चल रही है। नाउन क्लोज क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में कैसे पहचान सकते हो उसको, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे पहचान सकते हो और प्रीपोजिशन के रूप में कैसे पहचान सकते हो। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, इट ऑल डिपेंड ऑन हाउ सी डज, इट्स ऑल डिपेंड्स यानी कि इट्स ऑल डिपेंड ऑन ये यहाँ पे आ गया, वो वहाँ पे टू था, और उसके बाद में ऑन हाउ सी डज, सी डज ये वाले सेंटेंस है, दोनों के दोनों सेंटेंस है। बात करें दिस वन और दिस वन, ये वाले हैं ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे होता है। उससे पहले क्या होता है कि जो आपकी वाक्य में जैसे कि दिया गया है क्लोज सबॉर्डिनेटेड नाउन है वो प्रीपोजिशन टू और ऑन के बाद प्रयुक्त हुई है, यानी कि उसके बाद में जैसे कि ये मेरी प्रीपोजिशन है, यहाँ भी प्रीपोजिशन है, ये भी मेरी प्रीपोजिशन है, इसके बाद में जो नाउन स्टार्ट होती है, इसके बाद में जो नाउन स्टार्ट होती है वो आपका क्या है सबॉर्डिनेटेड नाउन होता है, कौन सा होता है सबॉर्डिनेटेड, सबॉर्डिनेटेड नाउन क्लोज, नाउन नाउन क्लोज। आप ऐसे भी इसको पहचान सकते हो, फिर पहचानना होता है कैसे पहचान, ऑब्जेक्ट के रूप में पहले सब्जेक्ट के रूप में कैसे पहचानते हो, फिर इसको ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट वर्ब कैसे पहचानोगे और फिर ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन कैसे पहचानोगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कम्प्लीमेंट टू वर्ब्स, अगर कम्प्लीमेंट टू वर्ब पहचानेंगे कैसे, यहाँ पर लिख देता हूँ कम्प्लीमेंट टू वर्ब, अगर कम्प्लीमेंट टू वर्ब की बात करें हम, कम्प्लीमेंट टू वर्ब से पहचानेंगे कैसे पहचान सकते हैं कम्प्लीमेंट टू वर्ब, अगर कम्प्लीमेंट टू वर्ब
what I want to say. This is what I want to say. This is what I want to say. ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू से क्या है। ये आपका कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस है, इसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट वर्ब टू के साथ मिली है, वो आप इसको आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट टू टू ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब है। तो आपको पता है आई वॉन्ट टू से ये वाला सेंटेंस जो हमने लिख रखा है, या फिर हम लिख सकते हैं लाइफ इज व्हाट वी मेक्स। और ये जो जो सेंटेंस मैंने ये वाला सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस ऊपर का जो सेंटेंस है ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो आपका जो क्लॉज है वो पूर्ण रूप से क्रिया के पूर्व पर सबोर्डिनेट क्लॉज से अपने पूर्व आने वाले क्लॉज का वर्ब को वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, अपने वाले आने वाले इसका वर्ब का इसका कॉम्प्लीमेंट है, दिस इसका इसका कॉम्प्लीमेंट वर्ब है। यहाँ पर ये कहना पड़ेगा इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपका क्या है, इज है। उसके बाद में केज इन अपोजिशन टू नाउन और प्रोनाउन, केज इन अपोजिशन ये आपको अरेंज कर देता हूँ, आपको डिपेंड का पता लग गया होगा ऐसे ना। उसके बाद में देखिएगा केज ऑफ अपोजिशन, केज इन अपोजिशन टू क्लॉज इन, केज इन अपोजिशन पोजिशन टू नाउन, नाउन प्रोनाउन, केज इन अपोजिशन टू नाउन प्रोनाउन एंड सरोनाम आपको पता ही है। द न्यूज दैट ही डाइड इज इनकरेक्ट, द न्यूज दैट ही Died incorrect. जो उसकी मरने की खबर है वो कंप्लीट अच्छी तरह से नहीं है, यानी कि इज नॉट इनकरेक्ट, नहीं है इनकरेक्ट नहीं, ही डाइड इज इनकरेक्ट एंड द न्यूज दैट ही डाइड इज इनकरेक्ट। ये वाला अपोजिशन टू नाउन और प्रोनाउन की बात करें, यहाँ पे आप प्रोनाउन देखने को मिलेगा। और उसके बाद में हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, He is good that he has come back. क्योंकि it is good, यानी कि ही लगा सकते हो आप, यानी कि it is good, it is good. क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं, एक बार आराम से ये टॉपिक चलेगा, एक बार समझने की कोशिश करो, ऑब्जेक्ट को कैसे लेते हैं, सब्जेक्ट को कैसे लेते हैं, उन चीज़ों को आप समझ पाओगे तो उस पर ये आपका नाउन क्लोजेस होता है, नाउन क्लोज को कैसे पहचानना है, कैसे करना है, ये वाला सेंटेंस। उसके बाद में केज वाला हमारा जो चल रहा है, गुड इज ही हैज कम बैक, ही हैज कम बैक, क्योंकि वो कुछ है कम बैक। ये दोनों सेंटेंस मैंने दिए हैं, ऊपर हमारा अपोजिशन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन है। आप इनको कैसे देखोगे, इनको देखने के लिए जो नाउन और प्रोनाउन है वो नाउन और प्रोनाउन अब आने वाले दोनों सुनाते हैं, एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए है, यानी कि एक बंदे का ही भी, यानी कि इट इज गुड वह अच्छा है, इट इज गुड है अच्छा है कि वह आ गया है, क्योंकि एक ही बंदे पर जिक्र हो रहा है दोनों सेंटेंस में, एक ही, क्योंकि द न्यूज एक बंदे की न्यूज़ थी वो मरा नहीं है, इनकोरेक्ट थी उसके लिए, क्योंकि एक के लिए ही जो न्यूज़ की ज्यादा नाउन और नाउन यूज करते हैं, उनको अलग अलग नहीं करते। वो क्या होता है कि वो नाउन क्लोज है, नाउन या प्रोनाउन, पहले नाउन प्रोनाउन को केस को अपोजिशन कहलाता है दोनों का। फर्स्ट वाक्य में आपने देखा है कि जो प्रोनाउन होता है वो क्या है, प्रोनाउन डाइड वर्कर टू टू में ईट प्रोनाउन के लिए ई प्रोनाउन हैज कम बैक आए हैं, इसमें सभी एक दूसरे से पहले शब्द का केस अपोजिशन है, भाई ये सेंटेंसेज आए हैं तो इनसे पहले जो केस अपोजिशन है वो आपको पता लग रहा है। अगले अगेन जो वीडियो है नाउन क्लोज के ऊपर आने वाली है, और उसके बाद में हम इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको दैट का कैसे यूज किया जाता है। तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और संडे वाले दिन अब की बार काफ़ी दो संडे निकल गए हैं भाई, कोई ऑनलाइन क्लास नहीं आ रही, तो संडे वाले दिन हम चाहेंगे कि आपके लिए लाइव क्लास लगाएं। वो आपकी टेंथ क्लास की जितनी भी ग्रामर है, आरबीएससी बोर्ड या राजस्थान बोर्ड की हम बात करें या फिर हरियाणा बोर्ड की बात करें, तो ये सारी की सारी जो वीडियो आएगी वो आपको संडे वाले दिन ज़रूर देखना।